ये हमने डेटाबेस बना लिया और ये हमारे पास अभी डेटाबेस जो है बिल्कुल खाली है। हम अब जाएंगे इसके लिए यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम जाएंगे प्रिविलेज के ऊपर और यहाँ पे प्रिविलेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास अगर यहाँ पे कोई यूज़र नेम जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट है उसके अलावा कोई यूज़र नहीं है तो हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। हमारे केस में हम जो यूज़र क्रिएट करेंगे वो हम एड यूज़र नेम पे जाएंगे और इसका हम यूज़र नेम का नाम रखेंगे अंडरस्कोर हम रखेंगे डीबी यूज़र और हम इसके बाद यूज़र नेम इसका हम होस्ट नहीं बता रहे, हम इसका पासवर्ड रखेंगे। हम यहाँ पे इसका पासवर्ड अभी रख देते हैं फिलहाल के लिए, हमारे पास है पास और @wordpress। इसी पासवर्ड को हम रिपीट कर देंगे और इसके बाद जितने भी हैं इस पर हमने ग्लोबल प्रिविलेज के ऊपर चेक कर देना है। और यहाँ पे हमने गो कर देना है। अब हम देखते हैं क्या हुआ कि हमारा जो वीपी ये यूज़र सक्सेसफुली एडिट हो गया है और हम जाएंगे अपने प्रिविलेज के ऊपर और यहाँ पे एक यूज़र ऐड हो गया है।